अमित, वहां पर अभी किस तरह की हलचल है? किसानों ने यही इकट्ठा होकर दिल्ली कूच करना है? देखिए, मैं इस समय अंबाला वाली साइड पे हूँ, शंभू बॉर्डर पर, और आपको तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। तो ये तस्वीरें हैं, ये यहाँ के आगे जो है मीडिया के एंट्री बैन है, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पर किसान जो है आकर जुटेंगे। और कल भी शाम को कुछ लोग वहाँ पर जुटे थे, उन्होंने थोड़ी सी हुटिंग भी वहाँ पर की, लेकिन पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी शरारती तत्व को यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे और किसी को असेंबल भी नहीं होने दिया जाएगा यहाँ पर ऐसी तादाद में जो कि हरियाणा की बाउंड्री में दाखिल होने की कोशिश करेगा। आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और पुलिस के करीब 7,000 जवान जो है वो यहाँ पर इसी सेक्शन में होंगे। ये देखिए किस तरह जो है पूरा इन बैरिकेडिंग्स को बांधा भी गया है पूरा। ये आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से, ये पूरी बैरिकेडिंग्स आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से ये जो है यहाँ पर मजबूत किलेबंदी की गई है कि हरियाणा की बाउंड्री में दाखिल ना हो पाए वो लोग जो यहाँ पर वॉयलेंस जो है वो करना चाहेंगे। क्योंकि 2 साल पहले भी अगर आपको याद है तो शंभू बॉर्डर से निकलकर ही दिल्ली की बाउंड्री की तरफ दाखिल होने की कोशिश की थी किसानों ने, चाहे वो सिंघू बॉर्डर था, चाहे वो टिकरी बॉर्डर था, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर था, वहाँ पहुँचने की कोशिश की थी। तो ये आपको मैं सारी तस्वीरें यहाँ दिखा रहा हूँ, हालांकि वो सामने की तस्वीर क्लियर होती लेकिन अभी विजिबिलिटी यहाँ पर इतनी नहीं है क्योंकि धुंध काफ़ी है। सुबह के समय यहाँ धुंध काफ़ी होती है, 2 दिनों से यहाँ पर इसी तरह का माहौल है। तो धीरे धीरे जो है ये धुंध साफ होगी और फिर यहाँ से जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे उससे साफ दिखाई देगा कि करीब 500 मीटर पर टोल है और उसके बाद फिर आगे जो है वो जो है किलेबंदी पूरी की गई है। हालांकि पिछली बार से ज़्यादा तैयारी है, पिछली बार से ज़्यादा सतर्क है पुलिस, और इस बार उन्होंने साफ जो है ये कह दिया है कि किसी को भी हरियाणा की बाउंड्री में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा जो कि यहाँ पर किसी भी तरह की वॉयलेंस करने की कोशिश करेगा। हालांकि शरारती तत्वों को लेकर आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को अवेयर भी किया है पुलिस ने, और वहाँ पर तैनात भी हैं जवान, वो देख रहे हैं कि कोई किसी तरह का ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो कि माहौल खराब करे। आपको मैं बता दूं कि चंडीगढ़ से जाते हुए जो हाँ की बाउंड्री में जो एंटर होते थे चंडीगढ़ से, वहाँ पर भी जो है बैरिकेडिंग भी की है और पक्का जो है वो रोड्स भी कई जगह पर बंद की हैं। यहाँ से दिल्ली से जो चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है वहाँ पर भी रोड्स को डाइवर्ट ज़रूर किया गया है, और कई सारी एडवाइजरीज जो हैं वो हरियाणा पुलिस की ट्रैफिक विंग ने भी जारी की है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग भी जारी किए गए हैं, और ये एक पूरा इत्मीनान दिलाने की कोशिश की गई है लोगों को कि वो सेफ है रहेंगे क्योंकि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ रहेंगे। आरएएफ ऑलरेडी पहुंच चुकी है, कल यहाँ पर जी मीडिया नेटवर्क ने एक्सक्लूसिवली अपने विजुअल्स दिखाए थे कि किस तरह से मॉक ड्रिल की गई और वहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरह से जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे अगर कोई शरारती तत्व किसी तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करता है, किसी विंग को लेके आता है। तो ये सारी तैयारी यहाँ पर है और इस समय जी मीडिया नेटवर्क ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही है कि यहाँ ये जो आपको सिक्योरिटी दिखाई दे रही है यहाँ ये फोर्थ जो है। जी ठीक है अमित, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। आदित्य प्रताप सिंह गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है, आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, वहां की हलचल जरा दिखाइएगा कि वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें हैं, जैसा कि सहयोगी हमारे कह रहे थे कि वाकई में इस बार पुलिस किसी भी तरीके की चूक नहीं करना चाहती। गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हूँ, यूपी गेट अंडर पास है, और यहाँ पर दोनों तरफ की तस्वीरें आपको ऐसी ही दिखाई देंगी, किस तरीके से सीमेंटेड बैरिकेड यहाँ पर बनाए गए हैं, बैरिकेड के ऊपर भी कटीले तार लगाए गए हैं, पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, और बड़ी बात यह है कि ताकि कोई साइड से ना निकल पाए इसलिए यहाँ पर बाकायदा गहरा गड्ढा किया गया है, जेसीबी से रास्ता ब्लॉक किया गया है, और आपको यहां से लेके आगे तक उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती मिलेगी।
यही नहीं, आप फ्लाईओवर के ऊपर भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं आपको, जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात दिखेंगे फ्लाईओवर के ऊपर भी। और ये स्थिति जो सीमेंटेड बैरिकेड की है, ये दोनों तरफ है, दोनों तरफ से पूरी तरीके से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। आगे बहुत सारे हर्डल्स रहे, इस वजह से कहीं ना कहीं जो रोड रोलर है उसको खड़ा किया गया है, बसेस खड़ी की गई हैं और बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है। और ये पूरा जो व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारी लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं। और जो नियमित यातायात है, क्योंकि आज वर्किंग डे है, लोगों को बहुत समस्या होगी, तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्जेंस है उनको लेकर भी नेविगेशंस लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा भी। और कहीं ना कहीं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पुलिस लगातार जानकारी दे रही है कि किस तरीके से आप अन्य रास्ते लेकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। बहरहाल जिस तरीके की व्यवस्थाएं इस समय गाजीपुर बॉर्डर या चिल्ला बॉर्डर पे दिखाई दे रही हैं, वाकई में पुलिस इस बार पूरी तरीके से मुस्तैद है किसी तरीके की भी अप्रिय घटना ना हो, दिल्ली के अंदर एक बार अशांति ना हो फिर से, इसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद की गई है। आदित्य, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। और अमित, आपके पास आते हुए ये सवाल आदित्य आपके लिए भी बाद में होगा कि जो डाइवर्जन्स किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं आम लोगों के लिए, अगर उन्हीं रूट्स को फॉलो करते हुए किसान आगे बढ़े तो ऐसे में फिर पुलिस की क्या तैयारी है? पर पहले तो हरियाणा में दाखिल होना यह सबसे बड़ी जो है चैलेंज है। यहाँ से दाखिल होना बहुत ही मुश्किल है। अगर यहाँ से दाखिल होते हैं फिर उसके आगे जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की पूरी तैयारी है, कोशिश यही की जाएगी कि हरियाणा की बाउंड्री में दाखिल ना हो। अगर वो उन्होंने कोशिश की और वो यहाँ पर वायलेंट हुए तो यहाँ कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे उनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी यहाँ से निकलने के लिए। हालांकि टेंटेटिव अभी यही है कि 10 बजे अरदास करके वो फतेहगढ़ साहब से निकलेंगे, और जिस तरह का पिछला नज़ारा था वैसा ना हो किसानों को भी ये समझना पड़ेगा और जो है स्थिति को भांपना पड़ेगा। क्योंकि अभी 10 तारीख सुबह से यहाँ पर जो है ट्रक ड्राइवर्स जो कि पेरिशेबल गुड्स लेके जा रहे थे वो भी यहीं खड़े हैं, और उनको 10 बजे सुबह 8 बजे से 10 तारीख सुबह 8 बजे से यहाँ रोका गया है। और आप देखें कि तभी से यहाँ पर डाइवर्जन्स हैं। कल यहाँ पर कुछ ऐसे लोग पहुँचे जिनको बहुत ही इमरजेंसी में जाना था लेकिन उनको नहीं मालूम था कि रोड कहाँ से डाइवर्ट हो रहा है। हालांकि एडवाइजरीज जारी हो रही हैं, इंफॉर्मेशंस दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी लोग पहुँच रहे थे। अभी ये है कि किसानों को भी समझना पड़ेगा कि आम लोगों की परेशानी, क्योंकि कि 2 दिन छुट्टी थी, शनिवार एतवार लोग कम निकलते हैं लेकिन उसके बाद सोमवार से जो है लोगों का जो है वो पूरा शुरू हुआ अपना दिनचर्या, और आज भी मंगलवार है, आज भी परेशानी हो सकती है। लेकिन लगातार जैसे कल हम उस पार भी गए पंजाब में, तो वहां देखा कि किसानों के संगठन जब मीटिंग कर रहे थे उनके आने से पहले ही कुछ ऐसे विवादित नारे वहां लिखे हुए थे जो कि पुराने आंदोलन की याद दिला रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो है हमने वहां से रिकॉर्ड की और अपने चैनल के माध्यम से दिखाई, वो लोग परेशान कर सकते हैं और इसी परेशानी के कारण जो है इन्हीं शरारती तत्वों के कारण सबसे बड़ी समस्या यही होती है। किसानों का आंदोलन समस्या नहीं होती है लेकिन जो उपद्रव मचाने के लिए बीच में अराजक तत्व आ जाते हैं वो सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनसे कैसे डील किया जाए। आपके पास वापस लौटूंगी मैं अमित। नीरज शर्मा सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। नीरज, सिंघू बॉर्डर की जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरह की तैयारी है और जो आम लोग हैं उनके लिए समस्याएं बढ़ गई हैं क्या अभी, या फिर अभी सुचारू रूप से चल रहा है ट्रैफिक वहां? जी देखिए, मैं आपको बता दूं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर का जो मैं आपको ये नजारा दिखाऊंगा, ये हरियाणा से दिल्ली के अंदर प्रवेश यहाँ से होता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी जो है जो रास्ता है वो बिल्कुल खुला हुआ है, मगर कंटेनर है, बैरिगेट है और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है यहाँ पर आ चुके हैं, डिवाइडर रोड पर रखे जा चुके हैं। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ से एक सर्विस लाइन जरूर निकलती है, सर्विस लाइन से दिल्ली के अंदर जहाँ से पिछली बार किसान आए थे उस सर्विस लाइन को पूरी तरह चौक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस
तरीके से यहाँ पर डिवाइडर रखे गए हैं, उसमें कंटेनर के अंदर मिट्टी भर के यहाँ पर रखी गई है, और किसी भी तरह की अनहोनी से दिल्ली के अंदर ना हो उस पर पूरी का पूरा फोकस सिस्टम है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। ये वही मार्ग है जिससे दिल्ली के अंदर प्रवेश होता है। अगर किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं तो इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस टाइम जो मार्ग है वो दिल्ली का आने जाने वाला बिल्कुल मार्ग खुला हुआ है। अगर बाई चांस किसान यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो इस पूरे रोड को जाम कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल लोगों की अगर परेशानी की बात करें तो लोगों के अंदर परेशानी इस टाइम काफी उनको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बसेस है वो आगे उनको ड्रॉप कर रही है, वहां से वो बैग लेके काफी दूर तक पैदल चल के दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें दिल्ली के बॉर्डर की या दिल्ली के अंदर लोगों की, तो दिल्ली के अंदर लोग भी जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है नीरज, आदित्य, अमित, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए किसान आंदोलन 2.0, जो तमाम किसान हैं वो अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से इजाजत उनको नहीं दी गई है और साफ तौर पर मनाही है। धारा 144 दिल्ली में लागू है, इवन हरियाणा में भी उनको एंटर करने की परमिशन नहीं है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।